आप कब कहां किस पद पर रहे बात अलग है। अभी जिस पैशनेट तरीके से आपने धारावी के बारे में बताया, तो मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। एक बनना चाहिए देवेंद्र फडणवीस ट्रैकर, और वो ये होना चाहिए कि हर महीने दो महीने में, क्योंकि आपने कहा है कि दुनिया में बहुत बड़ी चीज हो रही है, एक्चुअली ये ग्लोबल हिस्ट्री में दर्ज होने वाली चीज हो रही है, ये मैं भी मानता हूं, तो इसका समय के पहले काम पूरा हो जाए, इसलिए देवेंद्र फडणवीस ट्रैकर बनाना चाहिए। नहीं, मैं आपको, आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं आपको कहना चाहता हूँ मैं किस पद पर हूँ ये मेरे लिए मायने नहीं रखता। मेरे लिए यह प्रोजेक्ट मेरा पैशन है। देखिए, मेरी बेबीज है ये, इसकी शुरुआत मैंने की है, इसलिए खैर अभी तो जब मैं उप मुख्यमंत्री बना तो मैंने, मेरे पास गृह निर्माण विभाग रखा था जिसके अंतर्गत ये आता है, इसलिए इसकी सारी चीजें तो हम लोगों ने कर दी। मेरे पास विभाग नहीं भी रहा तब भी ये सारे प्रोजेक्ट्स को मैं मॉनिटर भी करता हूँ, और मैं मेरे मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे पूरी फ्रीडम दी है। उनको ये पता है कि मुझे राजनीति से ज़्यादा इन सारी चीज़ों में इंटरेस्ट है, मुझे प्रशासन में इंटरेस्ट है, मुझे कामों में इंटरेस्ट है, तो मेरे मुख्यमंत्री जी ने मुझे ये फ्रीडम दी है कि मेरे पास डिपार्टमेंट हो चाहे न हो, मैं उसकी मीटिंग लेता हूँ, मैं उसका फॉलोअप लेता हूँ, और जहाँ अड़चनें आती हैं मुख्यमंत्री जी के पास ले जाता हूँ, उन अड़चनों को दूर करता हूँ। तो धारावी का भी ऐसा ही है, हम लोग उसके पूरे तरीके से, और मुख्यमंत्री जी ने भी कई निर्णय उसमें नगर विकास विभाग को लेने थे, जो मुख्यमंत्री जी के पास था, मुख्यमंत्री जी ने भी उन निर्णयों को बहुत तेजी के साथ लिया है। तो इसलिए मुझे लगता है कि जैसा आपने कहा, ये सारे प्रोजेक्ट्स इसका पैशन, और मैं आपको उससे आगे जब बढ़कर कहता हूँ, ढाई साल में विपक्ष का नेता था, लेकिन आप सारे अधिकारियों को पूछिए, उन ढाई सालों में भी जहां प्रॉब्लम आता था अधिकारी मेरे से बात करते थे, और अनऑफिशियली मैं ही उनको मदद करता था।